जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजविंदर सिंह, SBS पॉलिटेक्निक पट्टी। आज जो हम सब्जेक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग, इसका क्या रोल है इंजीनियरिंग वर्क्स में? सबसे ज़्यादा रोल एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का हमारी इंजीनियरिंग वर्क्स में ये है, हमें सबसे पहले हम कोई भी बिल्डिंग बनानी हो या फिर किसी भी प्रकार के बिल्डिंग में वायरिंग करनी हो, तो उससे पहले हम एक एस्टीमेट तैयार करते हैं भी इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगेंगे और उनकी क्या कॉस्टिंग होगी, उसकी क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है एस्टीमेट। इससे हमें ये पता चलता है एक किसी भी कोई भी हमने काम करना, ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रिकल में, चाहे आप सिविल का काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कोई भी घर का काम, ऑफिस का काम, कहीं भी कर रहे हो, उसका एक हम एस्टीमेट लगाते हैं और उस एस्टीमेट को एक प्रॉपर लेआउट लेते हैं, हमें क्या क्या सामान, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए और क्या वो अवेलेबल हैं मार्केट में, हमारे नियरेस्ट स्टोर में हमारे पास अवेलेबल होंगे हमारे पास, और उसके बाद ही हम अपना काम शुरू करते हैं। हम एक एस्टीमेट बनाते हैं, जैसे हमने किसी भी रूम की या किसी भी एक बिल्डिंग की वायरिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, ये हमारा है एस्टीमेट। और कॉस्टिंग क्या है, उसकी क्या कॉस्ट है, मार्केट से पता करेंगे एक दो शॉप पे जाके भी, हाँ उनकी क्या कॉस्ट है, और जहाँ से हमें सस्ती पड़ेगी वहीं से वो हम चीज़ लेंगे। और ये नहीं है भी हाँ उसके पास थोड़ा सा हो, इसका भी हमें ये पता करना होगा भी किसके पास ज़्यादा स्टॉक है, क्योंकि जो एक बार हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो थ्रू आउट वही इक्विपमेंट सारी की सारी बिल्डिंग में चलेगा। ठीक है, ये है, उसकी कॉस्ट भी देखेंगे और अवेलेबिलिटी भी देखेंगे वो कितनी अवेल हमारे पास है। सेकेंड है एस्टीमेट। एस्टीमेटिंग का क्या काम है, इट इज़ द आर्ट ऑफ कैलकुलेटिंग अप्रॉक्सीमेट क्वान्टिटी ऑफ द इक्विपमेंट। ये एक हमारे पास ये एक ऐसी आर्ट है जिसे हम हमारे पास जो भी क्वान्टिटी जो हमने काम करना है उसकी जो हमें इक्विपमेंट चाहिए उसकी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। एक तो उसकी क्वान्टिटी को कैलकुलेट करेंगे कितनी लगेगी, दूसरा उसके कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ कॉल्ड एस्टिमेटिंग। अब है पर्पस ऑफ एस्टिमेट, पर्पस क्या होने चाहिए उसके, पर्पस ऑफ एस्टिमेट। फर्स्ट वन पर्पस, सबसे पहले इसका ये पर्पस है, पर्पस का क्या मतलब है एस्टिमेट का, हमारे पास उस चीज़ की अवेलेबिलिटी कितनी है मार्केट में, क्या उसको हम सही ढंग से ले पा रहे हैं या उसकी कोई जैसे बोल देते ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही, हमें कोई उसकी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं पड़ रही, और सबसे पहले हमने जो इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, टाइप ऑफ वायरिंग, पर्पस उसका है टाइप ऑफ वायरिंग। अब हम सभी को पता है वायरिंग की कौन कौन सी टाइप है, क्लीन टाइप है, क्लीट टाइप है, और वो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। सेकंड है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, हमें सही क्वालिटी का मटेरियल मार्केट से मिल रहा है या जो हमने पहले लगाया था उसी टाइप का मटेरियल हमें मिल रहा है, वो अच्छा है या ख़राब है या उसमें कोई ना कोई खराबी तो नहीं है उस मटेरियल में। थर्ड है शेड्यूल, कंप्लीट शेड्यूल ऑफ दी पॉइंट टू बी वायर अप। इसका ये मतलब है जब तक हमारी वायरिंग पूरी नहीं हो जाती वो हमें कंप्लीट
एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट मिल रहा है। आगे फोर्थ पॉइंट है, मार्क विद द डिटेल एट द एस विद द पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास ये है भी जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को अरेंज किया है या फिर स्विच गियर जो हमने लगाए हुए हैं वो प्रॉपर हमें सही मिल रहे हैं, ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है जनरल रूल, वायरिंग के जनरल रूल क्या है हमारे पास, जनरल रूल ऑफ वायरिंग। वायरिंग के जनरल रूल, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास वो इक्विपमेंट सारे के सारे हैं जो हमने लगाने हैं या उनको जिससे इंस्टॉल करना है, जैसे प्लायर, पेचकस, और अगर तो हमने ओपन वायरिंग करनी है तो उसका पूरा प्रॉपर सामान हमारे पास होना चाहिए, जैसे गट्टी, प्लास्टिक की और वुडन की गट्टी हमारे पास है क्योंकि उसको हमने स्टेबल भी करना है जहाँ पे हमने वायरिंग करनी है। उसके लिए हमारे पास क्लंप होने चाहिए, उसके साथ में हमारे पास पाइप होनी चाहिए, और सबसे सबसे ज़रूरी बात जो हमारा स्विच बोर्ड होता है वो हमारी अर्थ से 1.3 मीटर अप होना चाहिए, उसके बाद ही हमने जो इंस्टॉलेशन की है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एंड और उसके बाद जो पावर लोड वगैरह है हमारी बिल्डिंग के वो एज़ बिल्कुल सेम टू सेम बिल्डिंग से मैच कर रहे हैं भी, हमने कितना लोड ले रखा है, ये है हमारे जो रूल हैं वो है हमारे ये वायरिंग के रूल हैं। आज के लिए इतना ही, आप इसको फॉलो करें, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वो आप मेरे को बता दीजिए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, उसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।